जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम एनकांटो है। ये कहानी है एक मैजिकल फैमिली के बारे में जो मैजिक करना जानती है और वो बाकियों से बहुत अलग है। लेकिन उसी फैमिली में एक छोटी बच्ची होती है, वो अपनी फैमिली से भी अलग होती है, यानी वो उन जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि इस मूवी में क्या होने वाला है। छोटी बच्ची के बारे में मैंने आपको बताया, उसका नाम मिराबेल है। मूवी की स्टार्टिंग में हम उसे अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ देखते हैं और उसकी दादी उसे स्टोरी सुना रही होती हैं अपने पास्ट के बारे में। उसकी दादी माँ उसे स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं। आइए हम भी सुनते हैं। मिराबेल की दादी और दादा की मैरिड लाइफ दिखाई जाती है और ये भी दिखाया जाता है कि उनमें बहुत प्यार होता है। कुछ साल के बाद उनके घर 3 ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, यानी ट्रिपलेट बच्चे पैदा होते हैं। इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी और जिस टाउन में ये लोग रह रहे थे वो भी बहुत पीसफुल था। पर तभी टाउन पर कुछ बुरे लोगों ने हमला कर दिया जिसमें मिराबेल के दादा की भी जान चली गई, क्योंकि वो भागने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी कि अपने बच्चों और अपनी बीवी की जान बचा सकें। अब मिराबेल की दादी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके हाथ में वही 3 बच्चे थे। वो परेशान थी और चिल्ला रही थी कि मैं इन बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी, उनके शौहर भी नहीं रहे थे। तभी उनके सामने एक कैंडल पड़ी हुई थी और पास से वही बुरे लोग भी आ रहे थे जो उन्हें भी खत्म करने वाले थे, उन्हें मारने वाले थे। लेकिन नेचर कभी सालिम नहीं हो सकती, किसी सोल पर भी उसकी पावर और बर्दाश्त से ज्यादा बर्डन नहीं डाला जाता। तो यहाँ पर एक मिरेकल हो जाता है। मिराबेल की दादी माँ की कैंडल अब मैजिकल बन चुकी थी। उसमें से रोशनी निकलने लगती है और चारों तरफ फैल जाती है। साथ ही साथ उस रोशनी की लपेट में वो बुरे लोग भी आ गए और ये जगह उस रोशनी ने छुपा दी, यानी इस जगह पर अब कोई भी आएगा तो इस जगह को या मिराबेल की दादी को नहीं ढूंढ पाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक और मिरेकल हुआ, उनको एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर मिल गया जो सिर्फ उन्हीं के लिए मैजिकली बनाया गया था, यानी मैजिक से बनाया गया था। फिर दादी और बताने लगी कि इनके बच्चे बड़े होते गए जिनमें से 2 लड़कियां थी और 1 लड़का। ये जगह भी क्योंकि मैजिकल थी तो इनकी फैमिली में भी मैजिकल पावर्स आती गई और आगे से उनके बच्चों में भी। और जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे उसे एनकांटो टाउन का नाम दिया गया। मिराबेल अपनी दादी की बातें बहुत गौर से सुन रही होती है तो उसकी दादी उसे कहती है, मेरी बेटी अब वक्त आ चुका है कि तुम भी अपनी मैजिकल पावर्स को हासिल कर लो। दादी मिराबेल को एक मैजिकल डोर दिखाती है जिसमें से गुजरने के बाद उसके पास उसकी पावर्स आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही मिराबेल उस डोर से अंदर जाती है तो वो तो अलग ही दुनिया होती है और यहाँ पर वो बड़ी भी हो गई होती है। पूरे 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो टाउन में बहुत हैप्पीली जा रही है और काफी एक्साइटेड भी लग रही है। छोटे छोटे बच्चे देखकर उसे रोकते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिराबेल की मदर के पास भी जो पावर्स हैं उनमें से एक पावर हील करना है, यानी वो अपने मैजिक से और अपनी पावर से बीमार लोगों को ठीक कर देती हैं। और अगर बात की जाए उनके हस्बैंड की, यानी मिराबेल के फादर की, तो वो एक आम इंसान है, उनके पास कोई पावर नहीं है। मिराबेल की एक बहन भी है, वो जहाँ भी जाती है वहाँ फूल खिल जाते हैं, यानी वो किसी भी जगह को कलरफुल बना सकती है। और साथ ही साथ मिराबेल की एक और बहन है जो थोड़ी टॉम बॉय टाइप है, उसने अपनी लड़कों की तरह बॉडी बना रखी है और साथ ही साथ वो भारी भारी चीजों को भी लिफ्ट कर सकती है जिसमें एक ब्रिज भी है। अब आइए चलते हैं दादी की बाकी बेटियों और बेटे के इंट्रोडक्शन की तरफ। एक बेटी तो मिराबेल की माँ हो गई। इस लेडी के कर्ली बाल हैं और ये अपने मूड से वेदर को चेंज कर सकती है, यानी बारिश भी ला सकती है और सनी वेदर भी रख सकती है। इसके हस्बैंड भी एक नॉर्मल इंसान है और इनके भी 3 बच्चे हैं। एक लड़की जिसको दूर से आवाज आ जाती है, यानी वो दूर की आवाजें भी सुन लेती है, और एक मिडिल चाइल्ड जो किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और एक सबसे छोटा जिसको भी पावर्स मिलनी है। और फिर यहाँ पर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो दादी का 3रा बेटा है, यानी उन्हीं 2 बेटियों का इकलौता भाई। वो बिगड़ गया है और अपनी मैजिकल पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो एक सुनसान सी केव में रहता है और उसके पास जो पावर है वो है फ्यूचर देखना। और सबसे बड़ी बात कि एनकांटो टाउन में रहने वाले सारे लोग उसे भूल चुके हैं। शायद वो लड़का अपनी फैमिली को छोड़कर जा चुका है और अपनी मैजिकल पावर्स का बहुत बुरा इस्तेमाल कर रहा है। लेट मी टेल यू कि वो बूढ़ी औरत मिराबेल की असल में नानी है, क्योंकि वो मिराबेल की मदर है, लेकिन मिराबेल उनको ग्रैंड माही कहती है, तो अब से हम भी उनको ग्रैंड माही कहेंगे। अब आज वो दिन होता है जब मिराबेल को पता चलना होता है कि उसे मैजिकल पावर्स मिलेंगी या नहीं। जब वक्त आता है तो मिराबेल इंतजार करती रहती है पर उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं आती। ये देखकर दादी उससे कहती है, सो मिराबेल तुम मैजिक के लिए नहीं चुनी गई,
और सैडली जो आज के दिन रिचुअल होने वाला है तुम उसमें भी नहीं आ सकती। ये सुनकर मिराबेल उदास हो जाती है और अपने कजिन के पास चली जाती है, यानी अपनी खाला के सबसे छोटे बेटे के पास, जिसे आज पावर्स मिलने वाली हैं। जब उस छोटे बच्चे को पता चलता है कि मिराबेल को भी ये पावर्स नहीं मिली तो वो डर जाता है कि अगर मुझे भी ना मिली तो। लेकिन मिराबेल उसे हौसला देती है। अब हम देखते हैं कि रात का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, सब लोग तैयार हुए होते हैं। अब इन्हीं के घर में एक कैंडल थी, वही कैंडल जो उस ग्रैंडमा के सामने जली थी, और वही सब इनको मैजिकल पावर्स दिया करती थी। तब वो वक्त आ जाता है जब उस छोटे बच्चे को उसकी मैजिकल पावर मिलनी होती है, और वो ये होती है कि वो किसी भी जानवर से उससे बात कर सकता है, उनकी जुबान को समझ सकता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा भी, कि कहीं ये भी मिराबेल जैसा नहीं बना। उसके बाद उसी घर में उस बच्चे का भी एक रूम बन जाता है जिसमें वो सब पिक्चर्स खिंचवाने जाते हैं, लेकिन मिराबेल को वहाँ पर नहीं बुलाया जाता। ये बात मिराबेल को बहुत हर्ट कर देती है, वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि जिस रूम में कैंडल पड़ी हुई है उसके आसपास कुछ दरार आने लगी है, यानी वो वाली फूल टूटने वाली है। वो घबरा जाती है और फौरन से ग्रैंडमा और बाकी फैमिली मेंबर्स को बताती है। वो लोग भी भागे भागे यहाँ पर आते हैं, पर ये क्या, दीवार तो बिल्कुल ठीक होती है। ये देखकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वो मिराबेल से कहती है कि तुम जेलसी में आकर ये हरकतें कर रही हो। उन्हें मिराबेल पर बहुत गुस्सा था और साथ ही साथ दुख भी था कि वो मैजिकल पावर्स को गेन नहीं कर सकी। अब मिराबेल जब रात को लेटी होती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, तो वो चुपके से कैंडल को चेक करने जाती है, पर देखती है कि ग्रैंडमा वहीं पर है और काफी परेशान है। मिराबेल को समझ आ जाता है कि हो ना हो कैंडल में कोई इश्यू है या मैजिक से इसे काम नहीं कर रहा। सुबह होते ही वो अपनी स्ट्रॉन्ग बहन से मिलती है जिसमें लिफ्ट करने की पावर थी। उसकी बहन उससे कहती है, हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अंकल यानी जो ग्रैंडमा के बेटे थे, जब वो भी घर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने भी घर को टूटते हुए देखा था। अगर तुम इस बात का ज्यादा पता लगाना चाहती हो तो उनके रूम में जाकर देख। अब वो इसी तरह इस बात का पता लगाने के लिए रूम तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही जा रही होती है तो कुछ सैंड से स्लिप होकर एक रूम में पहुंच जाती है जो कि किसी किस्म का तहखाना होता है। उसके साथ बहुत सी सीढ़ियां होती हैं कि जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सीढ़ियां थी। अब मिराबेल उन सबको पार करके किसी रूम तक पहुंच जाती है जिसमें ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। मिराबेल उन क्रिस्टल्स को चूरने लगती है तो उसमें उसको अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ की दीवारें हिलने लगती हैं और उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, तो मिराबेल वो क्रिस्टल्स उठा के वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद जैसे ही मिराबेल अपने रूम में आती है तो उन क्रिस्टल्स को दोबारा से चूरती है। उसमें वो अपने आप को देखती है और पीछे अपने टूटे हुए घर को। उसे पता चलता है कि फ्यूचर में वो इस घर को तबाह कर देगी और इस घर के टूटने का रीजन भी वही बनेगी, तो ये देखकर वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ग्रैंडमा ने अपने बेटे को घर से क्यों निकाला था, वो इसलिए कि उसके पास जो मैजिकल पावर्स थी उसमें फ्यूचर में बुरी चीजों को देखना था। तो जब भी उनका बेटा ऐसी कोई बात बताता तो ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता था कि ये जो भी बुरी बात बोलता है वो सच हो जाती है। अब यहाँ पर मिराबेल के डैड आ जाते हैं जो उसे क्रिस्टल छोड़ते हुए देख लेते हैं। मिराबेल उनको सब कुछ बता देती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके डैड उसे कहते हैं इस बात को हिडन रखना। उसके कुछ मोमेंट्स बाद हम देखते हैं कि मिराबेल की बहन का प्रपोजल आता है, यानी रिश्ता आता है, पर मिराबेल के लाए गए क्रिस्टल्स की वजह से उस घर में क्रैक्स आने लगते हैं, जिससे डर कर वो प्रपोजल वाले लोग भाग जाते हैं और इस वजह से उसकी बहन उससे बहुत गुस्सा होती है। तभी मिराबेल वहाँ से उदास होकर जा रही होती है तो देखती है कि एक पेंटिंग के पीछे कुछ चूहे जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है वहाँ पे कोई रास्ता है। मिराबेल जब वहाँ पर जाकर देखती है और पेंटिंग को हटाती है तो वाकई वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता होता है। मिराबेल उसके अंदर छानती है तो उसे अपने अंकल दिखाई देते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और उनसे बात करने लगती है। मिराबेल के अंकल उसे बताते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था, इन सब ने मुझे मिसअंडरस्टूड किया, मैं ऐसा नहीं था जैसा इन्होंने समझा। अब यहाँ पर मिराबेल उनसे वो क्रिस्टल्स वाली बात शेयर करती है कि क्या मैं फ्यूचर में जाके अपने घर के टूटने का सबक बनूंगी, यानी रीजन बनूंगी। तो उसके अंकल उन क्रिस्टल्स को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाते हैं जिसमें उस घर के क्रैक्स हील होते हुए दिखाई देते हैं, तो वो मिराबेल से कहते हैं हो सकता है कि तुम इस घर को टूटने से बचा लो। अब यहाँ पर मिराबेल अपने अंकल से कहने लगती है कि आप मुझे आगे का फ्यूचर देखकर बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। उसके अंकल जैसे ही फ्यूचर देखने लगते हैं तो आसपास रोशनी फैलने लगती है और उसमें ये दिखाया जाता है कि फ्यूचर में घर टूटने वाला है और उसकी वजह वाकई में मिराबेल है। वो रुकने लगते हैं तो मिराबेल उनसे कहती है अंकल मत रुकिए, मुझे जानना है आगे क्या होगा, तभी तो हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। अब अंकल फ्यूचर और देखने लग जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि मिराबेल अपनी बहन को गले से लगा रही है, तो वो मिराबेल से भी कहने लगते हैं जिस दिन तुम अपनी बहन को गले से लगा लोगी और सुलह कर लोगी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो मेरा बेल अपने अंकल को बताने लगती है, मेरी बहन मुझसे सुलह करेगी। नहीं नहीं, वो जो मुझसे नफरत करती है, और वैसे भी रिसेंटली उसका रिश्ता मेरी वजह से टूटा है, तो वो कैसे मुझसे गले लगेगी। तो उसके अंकल कहते हैं तुम ट्राई तो करो। अब मिराबेल अपनी बहन के पास जाती है, वो काफी उदास होती है और अपनी तरफ फूल बिखेर कर बैठी होती है। तो मिराबेल से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। तो मिराबेल उसके पास जाके उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था। तो साथ ही उसकी बहन भी बोल पड़ती है चलो कुछ नहीं होता, मैं तो वैसे भी इस फैमिली से निकलने के लिए शादी करना चाहती थी, मुझे वो लड़का नहीं पसंद था। यहाँ पर दोनों बहनें हंसने लग जाती हैं और गले से लग जाती हैं। अब ऐसा होते ही घर में जो क्रैक्स आए होते हैं वो चूरने लगते हैं और फूल भी और खिलने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर दादी आ जाती हैं, यानी मिराबेल की नानी। वो मिराबेल से कहने लगती हैं ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है। मिराबेल कहती है पर ग्रैंडमा अब तो सब ठीक हो गया है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है नहीं, जब तक तुम यहाँ हो कुछ ठीक नहीं हो सकता। मिराबेल कहती है लेकिन नानी मैंने ऐसा क्या कर दिया है, इसकी वजह मैं नहीं जो घर में क्रैक्स आ रहे हैं, बल्कि आप हैं, आपका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है। अंकल भी आपकी वजह से इस घर से गए, आपने कभी उनको प्यार नहीं किया ना मुझे प्यार करती हैं। ये सुनकर नानी भी गुस्से में आ जाती हैं और उनमें बहस होने लग जाती है, जिसके बाद उनके घर में फिर से क्रैक्स आ जाते हैं और अब की बार तो काफी बड़े क्रैक्स। इसके बाद सारा का सारा घर टूटने लग जाता है। मिराबेल फौरन से भागती है कि कैंडल को किसी तरह बचा ले, लेकिन घर टूटने के बाद वो कैंडल भी बुझ जाती है। वो घर जब टूट रहा होता है तो सारे फैमिली मेंबर्स को बाहर फेंक देता है। अब इस बात की वजह से अपसेट होकर मिराबेल वहाँ से दूर नदी के किनारे चली जाती है। सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिल रही होती। तभी ग्रैंडमा का रियलाइज होता है कि उन्होंने मिराबेल के साथ वाकई गलत किया। उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उससे कहती हैं सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि असली मिराकल वो कैंडल नहीं बल्कि मेरी अपनी फैमिली थी जिसने मुझे इतना प्यार और इज्जत दी। अब यहाँ मिराबेल भी मान जाती है और अपनी नानी को गले से लगा लेती है। उनके एक दूसरे को गले लगाते ही वहाँ पर बटरफ्लाई उड़ने लगती है और फिर एक एक करके वहाँ पे करोड़ों बटरफ्लाईज आ जाती हैं, जिनसे वही रोशनी हो जाती है जो मैजिक के टाइम होती थी। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है अंकल की, यानी ग्रैंडमा के उसी बेटे की। ग्रैंडमा अपने बेटे को देख के गले से लगा लेती है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, उनका रियल मैजिक पूरा हो जाता है। उसके बाद ये सब प्लान करते हैं कि अपने घर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब वो टाउन में जाते हैं और बाकी लोगों की भी हेल्प के साथ वो घर दोबारा बना लेते हैं। अब घर काफी प्यारा तैयार हो जाता है और घर बनते ही ग्रैंडमा मिराबेल को डोर नोक देती हैं। वो उसे कहती हैं कि जाओ ये दरवाजे पर लगाओ, और जैसे ही मिराबेल उसे दरवाजे पर लगाती है तो वो चमकने लग जाता है और पूरे घर में उसी तरह मैजिक की रोशनी फैल जाती है और सबको उनकी पावर्स वापस मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो सब मिलकर एक फैमिली पिक्चर ले रहे होते हैं और अब की बार तो इस फैमिली पिक्चर में मिराबेल और उसके अपेंडेंट अंकल भी होते हैं। अब इनको समझ आ चुका था कि फैमिली एक साथ मिलकर प्यार से रहें तभी फैमिली का मैजिक पूरा होता है। इसी के साथ ये मूवी एक अच्छे मैसेज के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।